हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं मेरा ब्लॉगिंग चैनल विक्रम कुमार। तो आज हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं बिकॉज क्रश कैमरा है वो हम आज परचेज करने वाले हैं। मिररलेस कैमरा, डीएसएलआर कैमरा नहीं है वो। इसका प्राइस 60,000 है। कैनन M50, कैनन EOS M50। उसके साथ 1545 लेंस आता है विथ अपर्चर 3.6-6.3 अपर्चर का लेंस है उसके साथ। और अभी उसी के बीच में हमको उसके साथ मिल रहा है एक अडेप्टर फ्री, जो कि नॉर्मल किसी भी कैनन का लेंस लगा सकते हैं। जैसे कि नॉर्मल जो भी कैनन का लेंस रहता है, जो मेजर में जो रहता है, वो सब आपका नाम जैसे बता देते हैं। जैसे एक 18-55 होता है और 50mm लेंस होता है, 1018 लेंस होता है। तो ये सब लेंस कॉमन लेंस है जो काफी हम यूज कर सकते हैं अपने इस कैमरे से। पर खैर, ये अभी फोन से हम शूट कर रहे हैं। अभी हम हैं चतरा में, मतलब चतरा डिस्ट्रिक्ट में, और अभी हमको लगभग 3 या 2 डिस्ट्रिक्ट क्रॉस करके हमको जाना होगा रांची डिस्ट्रिक्ट में। अभी हैं हम चतरा में, फिर होगा हजारीबाग, उसके बाद होगा रामगढ़, उसके बाद होगा रांची। तो वहां पर जाके हमको कैनन इमेज स्क्वायर में परचेज करना है हमको कैनन M50। Arbeats. तो ये अभी मेरे फोन से रिकॉर्ड हो रहा है और अभी हम तुरंत ही स्विच करने वाले हैं। ज्यादा डिटेल वीडियो हम नहीं बना पाए, आप बोलिएगा तो कमेंट करके, तो हम जरूर बनाएंगे। तो अभी हम स्विच होते हैं अपने कैनन M50 पे। तो अभी आप देख सकते हैं ये M50 का है रिकॉर्डिंग, मतलब ये इसका वाइड एंगल है और ये इसका वाइड एंगल लेंस। तो अभी हम लोग रांची से निकल चुके हैं और बीच रास्ता में हम खाना वाना खाने के लिए रुके हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहीं पे भी खाएंगे और देखो कितना लो लाइट में भयानक परफॉर्मेंस है का, बहुत भयानक परफॉर्मेंस। तो अभी जो क्वालिटी आ रहा है वो इस कैमरे से आ रहा है और आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे फोन से ये दिखा रहा है कि मेरा सेटअप कैसा है। इसके ऊपर एक बोया बाय MM1 को माइक को हम बुक कर दिए, शॉटगन माइक है, और उसके लिए एक फोम भी बुक किए, जो कि फोम फर रहता है तो फर हमको ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए हम बुक किए हैं उसके लिए एक्स्ट्रा शॉटगन फोम बुक किए हैं, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है आगे, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है इसीलिए हम उसको बुक किए हैं, और जो फर रहता है वो एक्स्ट्रा एसेसरीज में रखा हुआ रहेगा। बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट करके बताइए। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हम लाते रहते हैं। और ये वीडियो में थोड़ा सा व्लॉग अच्छा सा नहीं कर पाए क्योंकि कैमरा थोड़ा सा यूज टू होने में कैमरा के साथ थोड़ा देर हो गया, और अब से जो अगला व्लॉग आएगा वो काफ़ी क्वालिटी दार होगा और उसमें बहुत अच्छा से सिनेमेटोग्राफी किया हुआ रहेगा। इसमें हम थोड़ा 120 फ्रेम पर सेकेंड 100 फ्रेम पर सेकेंड यूज़ कर रहे हैं अभी हम, जिससे कुछ सिनेमेटिक शॉट्स हम ले पाएँ। तो थोड़ा मोड़ा अभी होगा, अगला वीडियो से हम अच्छा सिनेमेटिक शॉट्स लेंगे जरूर।